पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेवक रोड। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आज हम खड़े हैं केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वार्षिक महोत्सव आज 2023-24 का शुभ आरंभ हुआ। आपको बता दें इसके मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर आदित्य सहाय, विशिष्ट अतिथि श्रीमती निधि सहाय, विशेष अतिथि कर्नल नितेश कृष्णा और प्राचार्य मनीष कुमार यादव जी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। साथ ही साथ विद्यार्थीगण रंगारंग कार्यक्रम को पेश करके इसके खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। इसके साक्षी बने तमाम अभिभावकगण। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट को देखें और चीज़ों को विस्तार से समझें। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। एक उड़ान और आपका स्वागत है सर द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स पे। मैं पंकज। तो धन्यवाद सर। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। आज हमारा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेवक रोड अपना वार्षिक उत्सव मना रहा है, जो कि आज की यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए यहाँ पे हर राज्य के जो नृत्य हैं, जो उनका लोक नृत्य है, जो उनका लोक कल्चर है, वह हमारे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। चाहे गुजराती डांस हो, चाहे मराठी डांस हो, बंगाली हो, बिहू का डांस है, आप सब ने भी इसका लुत्फ उठाया है। इसके माध्यम से हम बच्चों में भारत एक है इसका एक संचार करते हैं, इस व्यवस्था का। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे स्कूल का नाम अब पीएम श्री है। पीएम श्री एक्रोनिम है, जिसमें कि पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर और श्री का मतलब है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। भारत को और चमकाने के लिए और ऊँचा ले जाने के लिए NEP 2020 के बाद से हमने जो इम्प्लीमेंटेशन अपने यहाँ किया है, जहाँ पे हम FLN लिटरेसी और फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम 1 से 3 लेकर जो इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने बच्चों को लाएंगे और उसका हम प्रयास कर रहे हैं। पीएम श्री के तहत एक स्पेशल फंड एलोकेट होगा, जो कि दो तरह से है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, जिसके खर्चे को हम लोग यहाँ पे करके विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बच्चों में हर तरह का विकास करने का प्रयास करेंगे। जिसमें से अभी रिसेंटली हमने फील्ड ट्रिप कंप्लीट किया है, जहाँ बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे जाना था। इसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप चलाया है। उसके बाद गार्डन आप देख सकते हैं, जो गार्डन का डेवलपमेंट हमारा किया गया है, आप देख सकते हैं स्कूल का हमारे बिल्डिंग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है, जिस एक सेल्फी पॉइंट हमने बनाया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसकी प्रशंसा कितनी भी की जाए कम है। इससे विद्यालय परिवार का हर व्यक्ति लाभान्वित है। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम मनीष कुमार यादव, प्राचार्य पीएम श्री केवी सेवक रोड। टीचर हूँ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेवक रोड में। आज हमारे स्कूल में एनुअल डे जो है, वो कह सकते हैं, देख करके पूरा एकदम जो बच्चों के लिए लायक हो, पेरेंट्स के लिए देखने लायक है, वो सब बनाया हुआ है। और हम लोग तो पूरा उम्मीद में हैं और हम लोग को आशा है कि इनके मतलब लीडरशिप में हमारा स्कूल जो और आगे बढ़ेगा और फूलेगा फलेगा। सर, धन्य। आज की तारीख में कितने बच्चे होंगे पूरे स्कूल? 1487 पूरा स्कूल का। हाँ हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जो अभी टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो एक रोजगार मेला के तहत बहुत सारे शिक्षकों का यहाँ पे अभी आगमन हुआ। 17 शिक्षक हमारे ज्वाइन किए हैं,
जिससे हमारे स्कूल का अध्ययन अध्यापन बहुत बेहतर दिशा की तरफ जाएगा। स्कूल का रिजल्ट पिछले साल क्लास टेंथ में 100% था, इस साल हमारा ये प्रयास है कि बच्चे और अच्छा करें। हमारा टॉपर 97% लेके आया था, इस बार हम चाहते हैं कि वो 98% 99% लेकर टॉपर आए। 90s में 6 बच्चे थे, इनकी संख्या हम बढ़ाना चाहते हैं। तो जो नया आगमन है टीचर्स का, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि अगले आने वाला रिजल्ट बहुत ही उमदा और बहुत ही बेहतर होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा इस कार्यक्रम में, बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम था जिसमें जो बच्चे हैं जो दृष्टिहीन हैं उन्होंने बड़ी ही अच्छी प्रस्तुति दी। तो वैसे कितने बच्चे हैं आपके स्कूल? वैसे जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं 5 हैं। एक क्लास 3 में आपने देखा था वो ड्रम बजा सकता है, और एक क्लास 6 में है, एक क्लास 8 में है बेटी, और 2 9th में है। इस तरह से 5 टीचर हैं हमारे पास। स्पेशल एजुकेटर है, उसकी एक पोस्ट है, और इनके लिए पीएम श्री योजना के तहत कुछ किताबें मंगानी थी जो हमने मंगाया है, और इनको कुछ अप्लायंसेस, शिक्षा की तरफ हम जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि समावेशी शिक्षा के तहत हम हर तरह के बच्चों का, किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सब बच्चे एक हैं और हम उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल कितने बच्चों की संख्या होगी इस समय? 1467 है, 1467। सर बच्चों में ये ट्रेनिंग जो नृत्य किया और भी प्रोग्राम का जो आप लोग स्वयं दिए हैं या फिर वो अपने ही घर से? ये हमारे शिक्षक इसके इंचार्ज होते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, कोई बाहर से नहीं है, सब शिक्षकों के द्वारा ये सारा तैयार कराया गया है। शिक्षकों के निर्देश में ये कार्यक्रम हुआ है, और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, हर तरह से अच्छा करता है। ब्रेल में है और उनको बहुत ही, उनसे हम लोगों ने पूछा तो कहते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और वो इस साल तो 9th में है, अगले साल 10th में चलेंगे, चढ़ जाएंगे वो, तो उन्हीं के हिसाब से सब्जेक्ट से पढ़ाया जाएगा। CBSE के जो अंडर होगा, और सर भी काफ़ी पेन ले रहे हैं उन बच्चों के, और हम टीचर्स भी काफ़ी पेन ले रहे हैं। उस गोपाल प्रसाद मैथ्स के टीचर।